हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार, MMSC में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये डिस्काउंट का वीडियो नंबर सेकंड है। वीडियो नंबर फर्स्ट में मैं बिल्कुल बेसिक बताया हूँ, इसीलिए यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट देखिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करें। लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपये है, बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या होगा? क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु का जो मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस पर 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और तब उसे सेल किया जा रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझ लो। मान लीजिए कोई वस्तु है और जो वस्तु है उस वस्तु पर 15% डिस्काउंट देकर उस वस्तु को 102 रुपया में बेचा जा रहा है, तो उस वस्तु का मार्केट प्राइस क्या होगा? दोस्तों, हम सबसे पहले जो मार्केट प्राइस है, हम मार्केट प्राइस को 100 मान ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि जो वस्तु है, वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। अब क्या कहा जा रहा है, हम क्या माने हैं, हम मान ले रहे हैं कि जो वस्तु है उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 100 रुपया मान लिए। अब क्या कहा जा रहा है, इस मार्केट प्राइस पर 15% डिस्काउंट देकर 11,070 रुपया में बेचा जा रहा है, 102 रुपये में बेचा जा रहा है। 100 रुपया मार्केट प्राइस मान लिए, इस वक्त कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया है, 15% इस पर डिस्काउंट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, 100 का 15% कितना रुपया होगा, 15 रुपया होगा। यानी जो वस्तु है, वस्तु का कीमत 100 रुपया माने है और 100 रुपया में कितना रुपया छोड़ दे रहा है, 15 रुपया छोड़ दे रहा है। तो जब 100 रुपया कीमत था, अब 15 रुपया छोड़ दे रहा है, तो बेच कितना रुपया में है, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 रुपया होगा। यानी जो वस्तु है, जब मार्केट प्राइस 100 माने है, तो बेच रहा है 85 रुपये में। तो क्या लिखेंगे, 85 रुपया में बेच रहा है। और यही SP इस क्वेश्चन में 102 रुपया दिया था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 85 = 102 लिखेंगे। तो जब 85 = 102 हमारे को 100 न माने हैं, तो 100 पर निकालेंगे ना, तो 85 = 102 है, तो 1 = 102/85 = 100 = 102/85 × 100, 17×85 = 17, 5×2 = 10, 6×2 = 12, 120 रुपया होगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक साड़ी पर 35% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टे हैं, यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था? दोस्तों, इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पूछा जा रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझें। लो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी दुकान पर साड़ी खरीदने गया। व्यक्ति बोल रहा है, दुकानदार से पूछ रहा है कि इस वस्तु का कीमत कितना रुपया है। तो जो दुकानदार है, उस वस्तु का मार्केट प्राइस को बताया। अब जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि इसमें कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दुकानदार क्या बोला, ठीक है, मैं आपको 35% का डिस्काउंट दे दूंगा। कस्टमर क्या बोला, आदमी क्या बोला, नहीं नहीं, हमें 35% का डिस्काउंट तो चाहिए ही, हमें 2 डिस्काउंट चाहिए, एक 35% का डिस्काउंट चाहिए
और साथ ही साथ जो पैसा जो बच रहा है उस पर भी मुझे 10% का डिस्काउंट चाहिए, तब जाके मैं वस्तु को खरीदूंगा। दुकानदार बोला, ठीक है, आप दो सक्सेसिव डिस्काउंट चाहते हैं ना, ठीक है मैं दूंगा, पहला 35% दूंगा और जो रिमेनिंग जो पैसा जो बचेगा उस पर भी मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। इतना डिस्काउंट देने के बाद तब जो दुकानदार है उस वस्तु को 1170 रुपया में बेचा। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लिख कर सॉल्व करें। लोग इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस को 100 मान लेंगे। मान लेंगे जो वस्तु है वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया है। वस्तु जो है वस्तु का जो अंकित मूल्य है हम कितना रुपया मान लिए हैं, 100 रुपया मान लिए हैं। अब दोस्तों जो दुकानदार जो है वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, एक दिया है 35% और दूसरा दिया है 10%, क्यों ना दोनों को हम सिंगल बना ले, मेरे लिए बेहतर रहेगा। अरे दो बार डिस्काउंट क्यों बार बार घटा है, क्यों ना दोनों का सिंगल बना ले हम। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्यों ना हम दोनों डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल ले, बेहतर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक डिस्काउंट दिया, फर्स्ट दिया 35% एंड सेकंड दिया 10%, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, 35 + 10 - 35 × 10/100 करते हैं, 10 से 10। ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 3.5 हो गए 10 और 35, 45, 45 में से 3.5 घटेगा 41.5। दोनों का जो सिंगल डिस्काउंट जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना वो बना है 41.5, यानी वस्तु का जो कीमत है 100 रुपया, वस्तु यहाँ पर साड़ी है, साड़ी का जो कीमत 100 रुपया है वो 100 रुपया में कितना रुपया छोड़ दिया है, 41.5 रुपया छोड़ दिया है। तो जब 100 रुपया में 41.5 छोड़ दिया है तो कितना रुपया में बेचा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अरे यही ना है, 100 रुपया दाम था, 41.5 रुपया छोड़ दिया है तो कितना रुपया में बेचा, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 100 में से 41.5 को घटाइए, 100 41.5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, यानी 58.5 रुपये में साड़ी को दुकानदार बेचा है। अब इसी 58.5 बेचा कितने रुपये में, 58.5, यही जो SP जो है, क्या इसको मैं 1170 रुपये लिख सकते हैं, क्योंकि जो दुकानदार है सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसको बेचा है 1170 रुपये में बेचा है। तो जो SP है हम कितना लिख देंगे, 1170 लिख देंगे, 58.5 × 1170 है, तो 1 = कितना हो जाएगा, 1170 / 58.5। हम मार्क पर 100 न माने हैं तो इस पर 100, इसको 100 पाना निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 1 = इतना, तो 100 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल हटाना है, एक और यहाँ पर 0 लगा देंगे, 585 × 1170, 2 से 1000 में गुणा करेंगे तो 2000 रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझे, क्या कहा गया है, कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदी, उसे 660 रुपये में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी वस्तु का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है हम 100 मान ले रहे हैं,
जो वस्तु है, जो वस्तु का मार्क प्राइस कितना माने हैं? 100 माने हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो कबीर जो है, ये मार्क प्राइस है ना, इस पर 25% कम में खरीदा है। यानी जो कबीर है, कबीर को डिस्काउंट जो है वो 25% का मिला है। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट 25%। वस्तु का मार्क प्राइस कितना माने हैं? हम 100 माने हैं, और इस पर डिस्काउंट कितना? 25%। तो 100 रुपया है, 100 का 25% कितना रुपया होगा? 25 रुपया होगा। अब वस्तु का मार्क प्राइस है जब 100 रुपया, अब 25 रुपया छोड़ दिया है, तो बेचा कितने रुपये में है, खरीदा कितने रुपये में है? 75 रुपये में खरीदा है। अरे कबीर था ना, अब वस्तु खरीदने गया है ना, उसका मार्क प्राइस कितना था? 100 था ना, और उसको कितना रुपया कम में खरीदा है? तो 25 रुपया कम में खरीदा है। यानी 100 था, 25 रुपया कम बोले तो 75 रुपये में खरीदा है। दोस्तों, जो कबीर जो है वस्तु को कितना रुपये में खरीदा है? तो 75 रुपीज़ में खरीदा है। क्या कहा जा रहा है? जब वस्तु को 660 रुपया में बेच दे रहा है कबीर जो है, जब उसी वस्तु को जिसको 75 रुपये में खरीदा है, जब इसको 660 रुपये में बेच रहा है, SP कितना है? 660 रुपया, तो उसे फायदा हो रहा है 10% का। यही ना है जी? अच्छा ये बताइए फ्रेंड्स, कबीर जो है वो खरीदा कितने रुपये में वस्तु को? 75 रुपये में खरीदा है, और 660 रुपये में बेच रहा है, तो उसे फायदा कितना का हो रहा है? 10% का उसे फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, CP दिया है और गेन परसेंट दिया है, तो SP निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, CP कितना दिया है? 75 दिया है। SP ना निकालना है, गेन दिया है कि लॉस दिया है? गेन दिया है। कितना परसेंट दिया है? 10% दिया है। तो क्या करेंगे, 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110, नीचे कितना लिखेंगे? 100। ये जो SP जो निकाले हैं, यही SP किसके इक्वल होगा? 660 के इक्वल होगा, 660 के इक्वल होगा। देखिए दोस्तों, 0 से 0, 11 6 6 6, 25 3 75, 25 6 100, 3 2 6, 4 2 8, 1 = 800 आया है। तो हम मार्क प्राइस 100 न माने हैं, तो जब 1 = 8 आया है, तो 100 times, क्या कहा जा रहा है? 100 times 1 = 8 है, तो 100 = कितना हो जाएगा? तो 100 = 8 × 100, दैट इज कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। यानी जो वस्तु है, उस वस्तु का जो मार्क प्राइस था, उस वस्तु का मार्क प्राइस कितना था? 800 था। दोस्तों, यदि मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ दोस्तों, और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी कुछ प्रॉफिट हो सके। थैंक्स।